इन दिनों देश में एक नए वायरस ने अपनी धमक दिखाई है। इस वायरस का नाम है एडिनो वायरस। एडिनो वायरस जिन लोगों को संक्रमित कर सकता है, रिसर्च ने उनकी पहचान की है। एडिनो वायरस संक्रमण पूरे साल होता है, लेकिन आम तौर पर सर्दियों और शुरुआती वसंत में ये चरम पर होता है। संक्रमण के लक्षण हल्के से लेकर गंभीर तक हो सकते हैं, लेकिन इसमें ज्यादा बीमार होना असामान्य है। इस वायरस का कहर सबसे ज्यादा अभी तक पश्चिम बंगाल में देखने को मिला है। बंगाल में बच्चों के बीच ये वायरस तेजी से संक्रमित हो रहा है। राज्य में ICMR NICED ने अपने टेस्टिंग के दौरान बच्चों में सांस लेने की बीमारी को देखा गया है, जिसमें 32% सैंपल मिले हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पश्चिम बंगाल के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में चाइल्ड डिपार्टमेंट में जगह नहीं बची है। राज्य भर चाइल्ड वार्ड में सांस की बीमारियों से पीड़ित बच्चों की भीड़ लग गई है। इन संक्रमित बच्चों में से कई बच्चे एडिनो वायरस से संक्रमित माने जा रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर ये एडिनो वायरस है क्या। दरअसल खबरों के अनुसार एडिनो वायरस एक ऐसा वायरस है जो आपके बॉडी को हल्की फुल्की बीमारी से लेकर कई गंभीर तरह के रोगों से संक्रमित कर सकता है। ये वायरस ज्यादातर सांस नली को प्रभावित करता है। इस वायरस से संक्रमित व्यक्ति को नियमित सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। एडिनो वायरस हर तरह की उम्र के लोगों को संक्रमित कर उनकी बीमारी का कारण बन सकता है। हालांकि छोटे बच्चों जैसे 5 साल से कम उम्र के बच्चों को इस वायरस से संक्रमित होना आम बात है। ये वायरस ज्यादातर नवजात शिशुओं को अपना शिकार बनाता है। जिन लोगों का स्टेम सेल या ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, जिन्हें कैंसर या HIV एड्स है, वे भी इसमें शामिल है। अगर आपको दिल या सांस से जुड़ी समस्याएं हैं, तो आपके गंभीर रूप से संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। अब हम आपको इस वायरस से बचाव के तरीके बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा कि आप अपने हाथों को साबुन और पानी से कम 20 सेकंड तक बार बार धोएं। हाथ धोए बिना अपनी आंख, नाक या मुंह को छुएं। बीमार व्यक्तियों के संपर्क में आने से बचें।